आमौर प्रखंड क्षेत्र के हफनिया एवं खारी महिनगांव पंचायत के पंचायत सचिव कपिल देव मंडल को अपने सेवा काल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उक्त पंचायत का प्रभार राजेंद्र प्रसाद यादव को एक सप्ताह के अंदर ही देना था, लेकिन अब तक कपिल देव मंडल दोनों पंचायत का कार्यभार नहीं सौंप रहे हैं, जिनसे दोनों पंचायतों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं के तहत वार्डों में चल रहे गली नाली योजना पेयजल योजना प्रभावित हो रहा है। इस कारण उक्त पंचायत का विकास पूर्ण रूपेण अवरुद्ध हो गया है। इस बाबत पंचायत के मुखिया हफजूर रहमान एवं फायक आलम ने भी इस आशय की जानकारी प्रखंड प्रमुख मुसर्रत बेगम सहित प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुज कुमार को आवेदन देकर ध्यान आकृष्ट किया है। ना प्रभार वो दे ही नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं वो? वो जाकर के प्रभार छोड़ करके जो है संविदा वाला जाकर के पैरवी करते हैं। संविदा में उसको अपने से जो है वो बाप के बदले साक्षात्कार में उपस्थित हुए। कौन? उसका बेटा पिंटू। चूंकि वो जो है उसका बाप मानसिक बीमारी से पागल की तरह है, वो 2 बरस से ग्रसित है। यहाँ भी कई बार नदी में डूब के मरने के लिए जा रहे थे, जो अमर का एक एक आदमी जानता है उसके विषय में। लेकिन अपने सेवा काल में वो फिर कार्य किस प्रकार कर रहे थे जब वो मानसिक रोग से ग्रसित थे? तो उसका लड़का कर रहा था उसका। अच्छा, वो पंचायत का पूरा कार्यभार उसका लड़का संभाल रहा था। पंचायत का संचालन हर चीज का उसका लड़का करता था। उसका लड़का जो है अभी एकदम बाप को भी बता नहीं देता है, अपने मन से जो मन सो करता है। तो अब तक आपको पंचायत का कार्यभार नहीं मिला है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री के द्वारा जो 7 निश्चय के तहत योजनाएं चल रही है, गली नाली निर्माण योजना है, पेयजल योजना है, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रभावित होता होगा। प्रभावित तो होता ही है, हर आदमी आकर के यहाँ जो है परेशान होकर चले जाते हैं कि हम लोग का ये मार्च 31 के अंदर जो है हम लोग कैसे काम का संपादन करेंगे। आज ये प्रभारों नहीं देता है, मोबाइलों नहीं उठाता है, न कोई बात होती है इसका। वो आदेश तादेश कुछ नहीं समझते है। वो जो है सिर्फ जो है नो मालूम जो है किसके बल पर जी बिना प्रभार दिए उसका संविदा में हो गया जी, वो तो बहुत बड़ी विडम्बना वाली बात है।